तो हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि किस्मत जहां इंसान को ले जाती है, जिस जगह ले जाके पटकती है, वो इंसान वहीं पे जाता है जो किस्मत का लिखा हुआ होता है। और जो किस्मत में रहता है दोस्तों, वही होता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, कह गए बुजुर्ग। तो हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो ये पुण्यतिथि हमने किया है दोस्तों, रिलेशन में जो है हमारे मौसा प्लस हमारे बड़े पिताजी लगते थे। इसका रीज़न ये है कि मेरी मौसी का शादी हुआ था और मेरे मौसा से, तो उसके बाद दोस्तों फिर उन्हीं के भाई से मेरी माँ का शादी हुआ। मौसी और मेरी माँ दोनों बहन हैं और मौसा और मेरे पिताजी दोनों भाई हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमारे खानदान मतलब हमारे बड़े पिताजी और बड़ी माताजी हैं और मौसी भी हुए, मौसा भी, मतलब मैं एक साथ दो रिश्ता निभा रहा था, एक मौसी मौसा का और एक अपने परिवार का। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा जाता है जहाँ चाह है वहीं राह है। और दोस्तों हमारे सनातन धर्म में दोस्तों हर चीज़ का एक पूजा होता है। तो सबसे पहले लाश को जलाया गया, दाह संस्कार किया गया, औरतें घाट नहाई जाता है, फिर वो कपड़ा कहीं और लेके गए, फिर हमें वस्त्र बदलना पड़ा, फिर 9 दिन के बाद तीसरे दिन बार ही छिलाया गया, फिर दोबारा मैं मुंडन करवाया हूँ, कल काम कराया गया, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, बतौर दक्षिणा दिया गया, आज भी ब्राह्मणों को दान कराया जाएगा, दक्षिणा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो ये उनको हमारे पिताजी के हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। तो यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ कैसे होता है, आप बताइएगा जरूर। मालती थोड़ा बोलो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि इस समय थोड़ा आज का दिन बहुत ज़्यादा खल रहा है कि जो इंसान चला जाता है वो इंसान फिर कभी दिखता नहीं। जब मौसा हमारे, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यही जानता हूँ मौसा आप लोग के लिए कितना हम लोग के लिए किए हैं। और हमारे घर के बड़े गार्जियन रहते थे, कहीं भी जाते थे तो एक वो लगता था कि हमारा एक उम्मीद है, कुछ भी एक उम्मीद कहा जाता था। लेकिन आज उस उम्मीद का दिया जो इस तरह बुझा है कि दोस्तों बाप और बेटा दोनों चले गए। और मैं बताना चाहता हूँ, एक बेटा जो कुछ अलग स्थिति में, एक बेटा कुछ अलग स्थिति में, माँ अकेली है, समझ सकते हैं माँ अकेली पड़ गई। लेकिन दोस्तों मैं इतना जानता हूँ, जिस तरह उस माँ ने मेरी माँ को पाला है, उस तरह दोस्तों हम भी उस माँ को जब तक जिंदा है, जब तक इस बॉडी में माँ के जान है, तब तक पालेंगे। हम यही सोचेंगे कि एक माँ थी और हमारी दो माँ आ गई। दोस्तों सोचिए, किस्मत वाले होते हैं जिनके माता पिता रहते हैं, जिनके माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। और हम लोग खुशनसीब है कि हमारी दो माँ हैं और दो माँ एक साथ रहेंगी। दोस्तों हमें दो माँ का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बहुत ही खुशी होगी। बस यही कहूँगा दोस्तों कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता दोस्तों। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है, जब उसके बाद अगर वो बच्चा नालायकी करे, गलत करे, प्रताड़ित करे, तो उस माँ को जो दर्द होता है, समझ सकते हैं। अभी कल मैं देखा है, वही माँ उसी बच्चे के लिए कर रही थी जो बच्चा उनको कुछ नहीं समझता है। वही माँ, मतलब माँ का जो दिल होता है दोस्तों, एकदम मोम की तरह होता है, कुछ भी डालो पिघल जाएगा, सही है ना? बोलो क्या कहना चाहती हो, जो चले गए उनके लिए क्या कहना चाहती हो? दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर उनकी आत्मा के लिए आप लोग दुआ करिए कि उन लोग का आत्मा का शांति मिले, सही कहना चाहिए। और दोस्तों हमारे मौसा जी जो हैं, बता रहा हूँ, बहुत ही दिल के अच्छे थे और कुछ भी थे, आज हम लोगों के आदर्श थे, हम लोगों के एक बड़े बुजुर्ग थे। तो बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे मौसा जी के और भाई के आत्मा के शांति के लिए बस ओम जो भी है दोस्तों, ओम शांति आप लोग जरूर लिखें। और बस यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग आए सबको दिल से धन्यवाद। और आज खुशी हुई कि इस चीज़ को कि अपने बड़े पिता के पुण्याहुति में हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस पिता को अंतिम संस्कार के बाद उस पिता के लिए, दोस्तों काहे रो रही है इधर देखिए दोस्तों, रो रही है, उस पिता के लिए हम उनका लाठी बने, हम उनका सहारा बने। और बहुत ही खुशी की बात है। तो धन्य हूँ मैं और धन्य है हमारा पूरा परिवार कि उस माँ होता, उस पिता, उस भाई के लिए कि हमें ये कार्य मिला करने के लिए। तो आप सभी को सहृदय धन्यवाद। और बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप बताइए कि क्या ये सही था कि नहीं। बस यही कहना चाहता हूँ, हम पति पत्नी दोनों आप लोगों से हाथ जोड़ के।